Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about compression machine. कि जो आपकी compression machine होती है उसके parts के बारे में मैं आपको इस topic में बताऊंगी. Compression machine में क्या क्या parts रहते हैं और आपकी जो compression machine है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और compression machine का use कहाँ किया जाता है. तो देखो, जो compression machine होती है उसका use आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट बनाने के लिए किया जाता है. देखो, हम खाली पाउडर तो खा नहीं सकते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट उस टैबलेट को कैसे ले सकता है, उसको जो इजी टू उसको, मतलब वो इजी उसको ले सके, ताकि इजी उसको खाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उस वे में हम जो टैबलेट है उसको बनाते हैं. देखो, अगर हम टैबलेट बनाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आपको टैबलेट कड़वी नहीं लगनी चाहिए. अगर टैबलेट कड़वी होगी ज़्यादा तो उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो पेशेंट का ध्यान रखते हुए ही हम हर एक काम करते हैं. वैसे ही कंप्रेशन मशीन जो है, कंप्रेशन मशीन का यूज़ हम टैबलेट बनाने के लिए करते हैं, उसको एक अच्छी शेप देने के लिए हम कंप्रेशन मशीन का यूज़ करते हैं. और अब मैं आपको बताऊंगी कि कंप्रेशन मशीन के पार्ट्स क्या क्या हैं. तो देखो, कंप्रेशन जो मशीन है, कंप्रेशन मशीन में सबसे ऊपर टॉप पर जो होता है वो होता है हॉपर. इसको हॉपर बोलेंगे. हॉपर उसको बोलते हैं जिसमें हम पाउडर फिल करते हैं. देखो, कंप्रेशन मशीन में हमने ये क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है ये हमने मान लो पाउडर है, इसके अंदर इसमें ग्रैन्यूल्स हम डालते हैं. तो हॉपर है, हॉपर का काम क्या होता है, हॉपर में हम अपने ग्रैन्यूल्स को डालेंगे. फिर हॉपर से ये जो ये है ग्रैन्यूल्स, ये है हॉपर, ये है ग्रैन्यूल्स. अब ये जाएंगे आपकी फीडर में. यहाँ फीडर लगाते हैं हम, यहाँ फीडर होता है, फीड फ्रेम बोलते हैं. यहाँ से क्या करेंगे, फीड फ्रेम लगाएंगे. तो आपको जो पाउडर है वो फीड फ्रेम में 1, 2, 3 ऐसे होते हैं पार्ट्स, उसमें जाएगा. क्योंकि जो आपकी डाई होती है, जब यहाँ से डाई जाएगी आपकी, तो थोड़ा सा फिल फर्स्ट वाले पार्ट में होगा, थोड़ा सा शिफ्ट वो सेकंड वाले में, थोड़ी सी डाई आपकी फिल होगी, फिर थर्ड में फिल होगी, तो ऐसे जाएगी. और यहाँ पर आपके एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेल ओवर डाई. जो आपकी टेल ओवर डाई होती है उसका काम होता है कि जो आपकी डाई के ऊपर एक्स्ट्रा पाउडर रहता है उसको साइड हटाता है वो, ठीक है, ताकि आपकी जो डाई है वो उतनी ही भरे जितनी आपको ज़रूरत है. और देखो, ये आपकी डाई हो, सॉरी, आपकी इधर डाई है और ये जो है ये दिख रहा है ये लोअर पंच है, ये आपका लोअर पंच है. और ये जो दिख रहा है ऊपर को, ये इसका अपर पंच है, ये अपर पंच है और ये वाला लोअर पंच है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लोअर पंच होता है उस लोअर पंच के नीचे भी हमारा एक क्या रहता है, एक व्हील रहता है, एक लोअर व्हील बोल सकते हैं उसको, जो घूम, वो एक फिक्स होता है, वो घूमता नहीं है. जो उसका काम होता है, हम क्या करेंगे, वहां से एक नोब होती है हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम उसको घुमाते हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो प्रेशर लगाती है लोअर पंच और अपर पंच के ऊपर. वैसे ही अपर पंच के ऊपर एक और रोटर होता है जिसको हम अपर, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपर व्हील बोलेंगे. वैसे देखो, ये पार्ट दिख रहे हैं, जैसे ये जो ऊपर है ये है ड्राइव शाफ्ट, इसको बोलेंगे एसेंट्रिक कैम है, ये हार्डनेस कंट्रोलर है, यहाँ से हार्डनेस कंट्रोल करते हैं. वैसे ही अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो यहाँ पर जब आपकी जो डाई होती है जो घूमती है, यहाँ एक इसको जो बोलेंगे ये टरेट है आपके, ये इधर टरेट है, टरेट. एंड ये आपका अपर पंच है, ये बीच में ये जो दिख रही है ये डाई है आपकी, और ये आपका लोअर पंच है, ये वाला ये लोअर पंच है, ये इजेक्शन रेगुलेटर है, यहाँ से इजेक्शन रेगुलेटर है. इजेक्शन रेगुलेटर हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका ये जो पंच है, जब ये पंच यहाँ, जब थोड़ा प्रेशर यहाँ से प्रेशर लगता है, जो नीचे जो आपका लोअर पंच होता है वहां से जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि ये जो टैबलेट यहाँ से इजेक्ट होगी. लोअर पंच क्या करेगा, ऊपर को धकेलेगा जो पाउडर, उसको ऊपर, ये जो डाई डाई के बीच में से पाउडर ऊपर जाएगा और आपकी टैबलेट यहाँ से निकलेगी. तो इजेक्शन रेगुलेटर होता है. और यहाँ पे वेट रेगुलेटर होता है, जहां से आप वेट सेट भी करते हो, वेट रेगुलेटर होगा. एंड देन मेन फ्रेम ऑफ मशीन, यहाँ मेन फ्रेम ऑफ मशीन होती है. और कुछ और पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर लोअर पंच और अपर पंच की बात करूं तो वो मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी लोअर अपर पंच, लोअर पंच और डाई के बारे में बहुत ही डीपली मैं आपको बताऊंगी. बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. जैसे ये हॉपर था,
ये आपका क्या है, यहाँ आप इसमें ग्रेन्यूल्स डालोगे, ये फिल्टर है, यहाँ हम फीड फ्रेम लगाएंगे, ये अपर पंच है, लोअर पंच है, बीच में डाई है, एक रोलर इसके ऊपर होगा, एक रोलर इसके नीचे होगा। जो अपर वाला जो रोलर होता है, एक सेकेंड में आपको बता देती हूँ, जैसे ये है देखो, ये है अपर व्हील और ये है लोअर व्हील रोलर, और यहां से देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे को घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे को और एंटी क्लॉकवाइज पीछे को। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज जब घुमाओगे यहां से, तो क्या होगा, ये जो लोअर पंच है, ये लोअर पंच क्या करेगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका जो वेट होगा, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वेट क्या होगा, वेट अगर टैबलेट का वेट कम करना होगा तो वेट कम होगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, और जो डाई है, डाई के अंदर ज्यादा पाउडर फील होगा, तो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो ये होता है। और इसकी जो हार्डनेस की बात करूं मैं, जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज होगी। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी जो हार्डनेस है वो डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होती है हार्डनेस, जब डिक्रीज होती है तो थिकनेस बढ़ जाती है, जब थिकनेस बढ़ती है तो हार्डनेस कम हो जाती है। ये इसके अपोजिट चलती है, हार्डनेस और थिकनेस। ये भी आप देख सकते हैं, जैसे ये हॉपर है एंड ये आपका फीडर है, यहाँ फीड फ्रेम है, और ये जो ये है, ये है आपकी टरेट, ये टरेट होती है, एंड ये आपके पंचेस हैं। जैसे ये आपका हो गया ये वाला, ये लोअर पंच है जिसकी नेक लंबी होती है, और जो आपका लोअर पंच होता है, लोअर पंच की जो नेक है वो छोटी होती है, और ये डाई है आपकी, डाई बिल्कुल गोल होती है जिसके अंदर आपका पाउडर फील होता है, ये आपकी डाई है। और देखो जो मैंने लिखा है अपर पंच, ये दिस इज योर लोअर पंच। हॉपर, जो आपका हॉपर होता है वो स्टेनलेस स्टील का है, एंड टेल ओवर डाई, जो मैंने बताया, जब आपकी टाई जो डाई होगी, डाई पूरी तरह से फिल हो जाएगी। जब डाई आपकी फिल होगी तो क्या होगा कि थोड़ी सी डाई, मैंने बताया इधर जो पाउडर बचा वो आगे वाले जो कॉलम्स है उसमें जाएगा, फिर थर्ड वाले में जाएगा। जब आपकी जो डाई है वो पूरी भर जाएगी, इट मीन्स कि आपका अभी वेट सेट नहीं है, तो क्या करेगा, जो टेल ओवर डाई है वहां एक प्लेट से लगी होती है, तो वो प्लेट क्या करेगी, उसको बिल्कुल साफ कर देती है, इधर से ऐसे पूरा साफ करेगी। और क्या होगा, उसके बाद हम जो वेट एडजस्ट करेंगे, जो आपका लोअर पंच होगा, ये जो लोअर पंच है, लोअर पंच क्या करेगा, उतना वेट फिल करेगा। ये चलो, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे, जो कंप्रेशन मशीन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये पूरा टॉपिक विस्तार में बताऊंगी। फोर स्टेजेस भी आपको बता देती हूँ, कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं, जैसे आपके पास है फिलिंग, वेट एडजस्टमेंट, कंप्रेशन, इजेक्शन ऑफ टैबलेट, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। फोर स्टेजेस के बारे में मैं आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में भी बताऊंगी कि आपकी जो कंप्रेशन मशीन होती है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है और कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं वैसे थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूं तो जो आपकी कंप्रेशन मशीन होती है वो वर्क करती है आपके हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर, हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर ये आपकी कंप्रेशन मशीन वर्क करती है। जो प्रिंसिपल रहता है कंप्रेशन मशीन का वो रहता है हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।